जय हिंद। कुछ लिखा है वतन के हालातों पर, जिसको समझना होगा समझ जाएगा, जो नहीं समझा उसका अपन को कोई लेना देना है नहीं। कि हाथों में लेके पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब्स ये वतन का सम्मान बचाने निकले हैं, ये सिर्फ हराम खोर हैं साले, अपने दंगों की दुकान बचाने निकले हैं। मैं ना समझ हूँ और अनपढ़ भी, मुझे ये बताओ कि ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के कौन सा वतन का एहतराम बचाने निकले हैं, जिसने सारा जहां बनाया, कायनात ब्रह्मांड बनाया, सुना है कुछ बेवकूफ उसका मकान बचाने निकले हैं। ये वतन से कैसी मोहब्बत है कि कानून की धज्जियां उड़ाकर ये वतन का सम्मान बचाने निकले हैं। जिनकी जुबां पर लकवा मार जाता है जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद मादरे वतन कहने में, सुना है वो सभी भांड इकट्ठे होकर मेरे भारत का संविधान बचाने निकले हैं। इसके बाद आखिरी में वो जो चरस सम्राट है ना, गांजा नरेश, चरस और गांजा संगठन का, अफीम संगठन का जो प्रेसिडेंट है, उसके लिए, सब जानते हो बेवकूफ को, उसके लिए है कि सुना है जिनसे खुद के घर लंगोट लौंडे संभलते नहीं, जिनकी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम को बांटने में गुजरी है, वही जो सुबह सुबह चरस की चाय के साथ गांजे के पराठे और अचार अफीम का खाता है, सुना है वो आजकल हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। मुझे लगता है जिसको समझना था समझ गया। मेरे वतन को अंदर से मजबूत करने की बात करो, भिड़ाओगे लड़ाओगे कब तक। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, ना मैं हिंदुओं का सगा हूँ ना मुसलमान का सगा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान का सगा हूँ। मेरे लिए मेरा वतन हिंदुस्तान मैटर करता है। सब बराबर है, सबका सम्मान करना चाहिए। और सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा मैसेज है जो ये गद्दारगिरी भांडगिरी करते हैं। हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी पुलिस, हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस और जो ये पुलिस की फोर्सेस जितने भी है, जब तक तिरंगे का सम्मान करोगे, सिपाही तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा एहतराम करके सलाम करेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जिस दिन वतन से साला गद्दारी की अगर संविधान ने छूट दी और नया कानून बना, उसी दिन उसी झंडे के नीचे का डंडा अंदर जाएगा, तब समझ में आएगा। देख लो अपना अपना हिसाब। जय हिंद वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।